हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम। आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए मूंग दाल का डोसा, जिसे बनाना बहुत आसान है। अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो भी आप इसे ट्राई कर सकते हो। बहुत ही इजी रेसिपी है। अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। मूंग दाल का डोसा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर देखिए मूंग को मैंने अंकुरित कर लिया। आप चाहो तो बिना मूंग को अंकुरित किए भी बना सकते हो। मैंने यहाँ पर एक बाउल के जितना मूंग लिया था, उसे ओवरनाइट भिगो दिया था। उसके बाद मैंने उसे कपड़े में इस तरह बांध कर रखा, तो आप देख रहे हो अच्छे से अंकुरित हो चुके हैं। तो मैंने यहाँ पर एक बाउल के जितना देखिए मूंग ले लिया, बाकी मैं साइड में रख लेती हूँ। और उसके बाद अब हम ले लेंगे एक जार। जार में मैं इस मूंग को डाल दूँगी, क्योंकि हमें इसे पीसना है डोसा बनाने के लिए। तो अब हम इसमें डाल देंगे एक हरी मिर्च। मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो। अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हो तो ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। उसके बाद 5 से 6 देख रहे हो आप लहसुन की कलियाँ, और 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा हम इसमें डाल देंगे। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और उसके बाद 1/2 टीस्पून के जितना मैं यहाँ डाल दूँगी, 1/2 टेबल स्पून के जितना जीरा, और 1/2 टेबल स्पून के जितना नमक। नमक भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। साथ में हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी, और इसके बाद इसे हम पीस लेंगे। कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि उनका डोसा जो है वो अच्छा क्रिस्पी नहीं बनता है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, थोड़ा सा 1/2 कटोरी के जितना पोहा ले लीजिए, उसे धोकर इसमें इसके साथ पीस लीजिए, तो डोसा आपको बहुत ही अच्छा बनेगा। और आप देख रहे हो बैटर हमारा रेडी हो चुका है। चलिए जैसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए मैंने इसे बाउल में निकाल लिया है। और उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इस मिक्सी के जग में थोड़ा सा पानी डाल देंगे, ताकि जो हमारा बैटर है वो सारा निकल कर बाहर आ जाए। और इससे ज़्यादा मैं पानी और यूज़ नहीं करूँगी डोसे के अंदर। डोसा बैटर जिस तरह से बनाते हैं, उसी तरह से हम इस बैटर को भी थिक रखेंगे। ज़्यादा पतला बैटर हमें नहीं बनाना है। अब देखिए इस बैटर बन चुका है, साइड में रख लेते हैं और चलते चटनी बनाने की तरफ। तो चटनी बनाने के लिए मैं आपको दिखा दूँ सबसे पहले मैंने कौन कौन से इन्ग्रीडियंट लिए हैं। मैंने यहाँ लिया है 1 टमाटर, 1 प्याज, थोड़े से करी लीव्स, और ये ड्राई वाले हैं, आप ताज़े भी ले सकते हो। 5 से 6 लहसुन की कलियाँ, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा, और ये कोकोनट है। इसका मैंने क्या किया है, छिलका जो पीछे का ब्लैक वाला उसे रिमूव कर दिया है, निकाल दिया है। और ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है 3, थोड़ी सी इमली, गुड़ और 1 हरी मिर्च। तो चटनी बनाने के लिए हम यहाँ ले लेंगे एक पैन या कढ़ाई, आप जो भी ले सक जो भी आपके पास अवेलेबल हो। उसके अंदर हम डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच के जितना तेल। तेल जैसे ही हमारा गर्म हो जाएगा, उसके अंदर हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून के जितना राई। जैसे राई के दाने चटकने लगेंगे, उसमें हम डाल देंगे करी लीव्स, और जो मैंने प्याज काट कर रखा था उसे भी डाल देंगे। साथ में लहसुन भी डाल देंगे, और साथ में हम डाल देंगे अदरक। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट तक पका लेंगे। और ये देखिए लगभग 1 मिनट के बाद हल्के से प्याज ट्रांसपेरेंट हो चुका है। उसके बाद मैं डाल दूंगी जो मैंने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च लिया था उसे भी, और फ्रेश कोकोनट लिया था उसे भी हम डाल देंगे। उसके बाद 1 हरी मिर्च हम डाल देंगे इसे तोड़कर इस तरह से, और साथ में मैं डाल दूंगी 3 चम्मच के जितना जो रोस्टेड चना दाल है उसे हम डाल देंगे। इससे चटनी में एक थिकनेस आती है और टेस्टी भी लगती है। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। और उसके बाद अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ टमाटर रफली चॉप किया हुआ। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1-2 मिनट तक हम पका लेंगे। और ये देखिए 1-2 मिनट तक हम पकाने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। मैं यहाँ पर लगभग 150 ml के जितना पानी ऐड कर रही हूँ। और उसके बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे, मैंने यहाँ पर जो गुड़ लिया था गुड़ ऐड कर देंगे 1 इंच के जितना टुकड़ा, और साथ में थोड़ा सा इमली ऐड कर देंगे। आप चाहो तो यहाँ पर इमली का पल्प भी ऐड कर सकते हो, लगभग 2 चम्मच के जितना। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच के जितना नमक, और इसे भी हम लगभग 7 से 8 मिनट तक पकने देंगे। तो ये देखिए 7 से 8 मिनट के बाद आप देख रहे हो पानी अच्छे से सूख चुका है। अब इसे हम ठंडा कर लेते हैं, और उसके बाद अब हम इसका पेस्ट बना लेंगे। और ये देखिए ये हमारा ठंडा हो चुका है। अब हम इसे मिक्सी के जार में डाल देंगे और इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे, ताकि जिससे कि चटनी रेडी हो जाए। लगभग 20 सेकंड के बाद आप देख रहे हो ये दरदरा पिस चुका है। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, ताकि इसका अच्छा स्मूथ चटनी रेडी हो जाए हमारी। तो ये देखिए चटनी बनकर रेडी हो चुकी है। तो चलिए इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं, और उसके बाद हम लगाएंगे इसके ऊपर एक फाइनल तड़का। तो तड़का लगाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 पैन, वो मैं सेम पैन यूज़ कर रही हूँ। उसमें मैं डालूँगी 2 चम्मच के जितना तेल। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। उसके बाद इसमें डाल देंगे हम राई। राई के दानों को हम अच्छे से चटकने देंगे। और उसके बाद अब हम इसमें डाल देंगे थोड़े से करी लीव्स,
फिर से मैं यहाँ पर ड्राई करी लीव यूज़ कर रही हूँ, आप चाहो तो फ्रेश भी कर सकते हो। जैसे तड़का रेडी हो जाए तो उसे हम डाल देंगे अपनी चटनी के ऊपर। तो आप देख रहे हो चटनी जो है बनकर रेडी हो चुकी है, बहुत ही सिंपल आसान है, खाने में बहुत टेस्टी बनती है, आप ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए चटनी हमारी बनकर रेडी है। तो चलते हैं अब हम अपना डोसा बनाने की तरफ। तो डोसा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक तवा, तवे के ऊपर हम थोड़ा सा पानी छिड़क देंगे इस तरह से, और एक चम्मच के जितना मैं यहाँ पर ऑयल डाल दूँगी, और उसे अच्छे से इस तरह से टिश्यू पेपर से क्लीन कर लेंगे। उसके बाद अब हम इसमें फैला देंगे अपना डोसा वाला जो बैटर बनाया था मैंने, उसे डेढ़ चम्मच के जितना, और इस तरह से राउंड राउंड घुमाते हुए अच्छे से मैं एक पतला सा डोसा बना लूँगी। और उसके बाद अब हम इसके चारों कोनों में हम डाल देंगे ऑयल और इसे लगभग 2 मिनट तक पकने देंगे। तो ये देखिए लगभग 2 मिनट के बाद हमारा डोसा जो है अच्छे से पक चुका है। उसे इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे ऊपर की तरफ इस तरह से। तो देखिए डोसा बनकर रेडी हो चुका है। रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाला नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।